क्या सही ने सच में मेरी सलामती के लिए ही आलता लगाया था? नहीं, जरूर आई को कोई गलतफहमी हुई होगी, या फिर हो सकता है सही ने आई को खुश करने के लिए आलता लगा लिया हो, यही हुआ होगा। क्योंकि सही जिन्हें पसंद करती है उनके लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन जब आई ने कहा कि सही ने मेरे लिए आलता लगाया है, तो ये चुप क्यों रही? ये उनमें से है ही नहीं जो चुपचाप झूठ सुन ले। अपनी बात रखे बिना चैन कहाँ आता है इसको? लेकिन ये कुछ बोली ही नहीं। कहीं सच में इसने मेरी सलामती के लिए तो आलता नहीं लगाया? सोते हुए कितनी अच्छी लग रही है, एकदम शांत। पर उठते ही उसकी बड़बड़ शुरू। विराट सर, अनिकेत कितना अच्छा गाता है। अनिकेत ऐसा है, अनिकेत ऐसा है, अनिकेत कैसा, अनिकेत कैसा है उसे मुझे क्या लेने देना। ये उसकी तारीफ करती है तो मुझे उससे क्यों फर्क पड़ रहा? गाता होगा। डॉक्टर सही जोशी, सही। आप मेरे इतने पास क्यों? वो तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था, सोना था मुझे। तो सोइए ना, मैं कौन सा आपको लोरी सुनाऊंगी? लोरी नहीं सुनानी है सही, किताबें हटानी थी। बुक स्टॉल बना रखा है तुमने अपना। हाँ तो नाम से पुकार क्यों उठाते थे? ऐसे कंधा छूने की क्या जरूरत थी? सही, मुझे तुम्हारा कंधा छूने का कोई शौक नहीं है। दो तीन बार तुम्हारा नाम पुकारा था धीरे से, तुम नहीं जागी तो जोर से पुकार लेते। सोते हुए इंसान को जोर से बोलकर नहीं उठाते सही, इसीलिए मैंने लीजिए। आप आराम से सो जाइए, मैंने समेट ली अपनी बुक स्टॉल, ठीक है? मैं चली पढ़ने। इस वक्त? सही, बहुत रात हो गई है, कल आराम से सुबह उठ के पढ़ लेना, मैं तुम्हें उठा लूंगा जल्दी। अगर कल सुबह पढ़ाई में बिजी हो गई तो घर के नौकरों वाले काम कब करूंगी? सही, अगर तुम घर वालों के लिए अगर खाना बना लोगी, घर की सफाई करोगी, तो तुम घर की नौकरानी बन गई। घर की और भी बहुएं ये सब काम करती है ना, और भी लोग काम करते हैं। विराज सर, ना तो ये घर मेरा है और ना परिवार, और जहां तक रही बाकी बहुओं की बात तो कोई उन्हें बात बात पर बेइज्जत नहीं करता। वैसे भी विराज सर, इस घर में मुझे अपनी बहू मानता ही कौन है? सीधी सीधी बात ये है कि अब मैं किसी के घर में रहने आई हूँ तो बदले में घर का कुछ काम तो करूंगी। चलिए मैं चलती हूँ पढ़ने। वैसे तुम्हारे आलता लगाए हुए पैर काफी सुंदर लग रहे हैं, मगर मैंने नोटिस किया कुछ रैश वैश हुआ है। ये आलता से है या? रैश तो होना ही था, एलर्जी है ना मुझे।
और तुम जानती थी इस एलर्जी के बारे में, फिर भी तुमने आलता लगाया। क्रीम क्यों? तुम डॉक्टर बनने वाली हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए किस लिए है। पता है, इसीलिए। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चोर 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 चोर, इतनी रात को चोर रसोई में क्या ढूंढ रहा है? मैं नमक ढूंढ रहा था। मैं नमक? तुमने तो खाना खा लिया, फिर नमक क्यों चाहिए बताओ? अच्छा ठीक है, बेकिंग सोडा ढूंढ रहा था। क्यों? बचपन में वो स्किन पे वो एलर्जीज आ जाती थी, तो आप पानी में मिलाकर बेकिंग सोडा वो लगाती थी ना? बस वही ढूंढ रहा हूँ। सही के लिए? नहीं। सही के लिए? नहीं आई। सही के लिए? नहीं आई। यस। नहीं आए। हाँ। बड़े सोचते हो सही के बारे में। और जब मैं शाम को तुम्हें कह रही थी कि बेटा विराट थोड़ा सोच समझ ले, तब तो मेरी बात नहीं मानी तुमने। क्या करता है? सभी घर वाले सही की शिकायत कर रहे थे, और एक आप ही थी जो उसके साथ खड़ी थी। विराट, सभी घर वाले है ना सही को ऐसे मोटे चश्मे से देखते हैं ना, जिसमें से सही उनको बदतमीज अक्कड़ी नजर आती है। लेकिन मैं उसे दिल के नजर से देखती हूँ, सच्ची। मैं कहती हूँ ना विराट, अगर उससे कोई सही चीज करवानी हो ना, तो उसके ऊपर रौब जमा के, उस पर हुक्म चला के बिल्कुल नहीं करना। उसे प्यार से समझा के, उसकी सही वजह बता के बता, फिर कितनी भी तकलीफ हो जाए, सही वो चीज करेगी 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 करेगी, मुझे पता है ना। आज देखो, पूजा के बाद सब लोगों ने खाना खाया, सब चले गए। सही बेचारी अपने कमरे में पढ़ने चली गई, अभी तक भूखी है बेचारी। अरे उसके लिए खाना ही लेने में आई थी। देखो विराट, अब तुम आ ही गए हो ना, सही के लिए खाना लेके जा। और सुनो, उसे कहना मेरे सामने बैठ के खाना खाओ, प्यार से बोलना, बहुत मेहनत करती है बेचारी। आप चिंता मत कीजिए, जब तक वो मेरे सामने पूरा खाना नहीं खा लेती ना, सोने नहीं दूंगा उसे। एकदम बढ़िया। आई, ये दाल बहुत अच्छी बनी थी। सही के साथ फिर से खाना। मेरा पेट भर चुका है। उसे खिलाऊंगा। आई ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है, और ये भी कहा है कि मेरे सामने खाना खाना है पूरा। आई मुझसे कितना प्यार करती है। एक मिनट। अरे काकू देख लेंगे, तुम अकेला खड़ा हो जाएगा, प्लीज छोड़िए, और फिर उसका इल्जाम भी मेरे ऊपर लगाया जाए।
मैं कुछ बोलूं? सुनोगी? ये बेकिंग सोडा मैं आई ने तुम्हारे लिए भेजा है, ये एलर्जीज के लिए सबसे बेस्ट होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आई कह रही है। तो जब तक मैं तुम्हारे पैर पर ये लगा रहा हूं, तुम अपने मुंह पर ताला लगा लो प्लीज। ओके? नो, नॉट ओके, मैं खुद लगा लूंगी। शश,